बीएचके है, बट कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस, जैसे बाहर बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है शुरैक रखने के लिए, तो शुरैक ऐसे ही सजा के रखा हुआ है। एंड यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और ये माही भाई का साइन है, महेंद्र सिंह धोनी का साइन है भाई साहब, वहाँ पे मिले थे हम लोग उनसे। और यहाँ पे जहाँ पे भी स्तुति का नाम लिखा हुआ है ना, उसी ने गिफ्ट दिया हुआ है, ये भी हम लोग कॉलेज में उसने दिया था, ठीक है। तो ये वैसा मतलब दिखने में अच्छा लग रहा है ना, एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई साहब, तो ये जरूरी है, दैट इज दिस वन। उसके बाद फिर ये और हमारा अचीवमेंट, दैट इज आवर सिल्वर प्ले बटन। एक वीडियो डाली थी जिसमें हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए फर्नीचर्स के बेसिकली, तो वहां पे हम लोगों ने जो जो लिया था वो सब मैंने कैसे सेटअप किया वो भी दिखाऊंगा। वो 8,000 रुपए का मेरे को सोफा पड़ा था, और ये भी डीमार्ट का हो गए। तो यहाँ पे मेरे लैपटॉप रखा हुआ है, ऑफिस का लैपटॉप और वर्क का लैपटॉप, मैं ऐसे ही मतलब वो ना जिसपे मैं सबसे ज्यादा मतलब आई लिटरली स्पेंड अबाउट लाइक 15 आवर्स के आसपास वगैरह से लेके सही से सेट कर लिया है। ये फ्लिपकार्ट से लिया हुआ है सब कुछ, एक महीने में मतलब पिछले महीने में जब मैं आता भाई बिल्डिंग थी ही नहीं, और अभी लगभग 2-3 महीने में मैं 3 बार रेंट दिया हूँ, मतलब मैं प्री रेंट देता हूँ, तो समझ जाओ भाई कितनी स्पीड से काम चल रहा है, मतलब भड़बड़ काम चल रहा है। तो हाँ गुरु, क्या हाल चाल है, सबके स्वागत है नए व्लॉग में। तो आज का ये पटला वीडियो हम लोग का पूरा होम टूर का होने वाला है। बेसिकली मैंने अभी रिसेंटली शिफ्ट किया है 1 BHK से 2 BHK में, और दूसरा घर लिया है, तो बेसिकली उसके बारे में होने वाला है, रेंटेड अपार्टमेंट है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बनाने वाले हैं, जस्ट बाहर ही खड़े हैं, तो स्टार्ट करते हैं। और लाइक कॉमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि एंड टू एंड सारी चीज़ें दिखा रहे होंगे, और ये भी बता रहे होंगे भाई साहब क्या चीज़ कहाँ से ली है, कैसे सेटअप किया है, वो भी थोड़ा थोड़ा डिटेल्स दे रहे होंगे। और कोई सजेशन वजेशन होगा तो ज़रूर बोलना, हम लोग स्टार्ट मतलब वो भी इंक्लूड कर देंगे आज के वीडियो में। तो चलो सबसे पहले तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट अंदर घुसते हैं भाई साहब, और यहाँ पे अंधेरा है तो भाई एक लाइट जलाता हूँ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी पड़ेगी, दैट इज दरवाजा बंद करो भाई साहब। आप पहले दरवाजा बंद करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग सारी लाइट्स जला लेते हैं और एक एक करके चालू करते हैं। और सबसे पहली चीज़ मैं ये वाला लाइट जलाने वाला हूँ और आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ये लाइट जलाने के बाद ना पूरा ऑरा ही चेंज हो जाता है वीडियो का, क्योंकि भाई सब क्या होता है ना कि ये लाइट एक वन ऑफ द एस्थेटिक फील और वार्मनेस एक देती है। और ये लाइट्स मोस्टली मतलब ये लाइट मैं मोस्टली ऑन करके रखता हूँ जब भी मैं यहाँ पे बैठता हूँ, टीवी देख रहा होता हूँ, या तो मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ तो यहाँ लैपटॉप पे, तो ये ना एक बहुत अच्छा ऑरा देती है। ऐसे ना ये दोनों लाइट्स बंद कर दो एंड जस्ट ये वाला, तो कितना अच्छा वार्मनेस और एक अच्छा सा फील आ रहा है लाइक देख के। तो इस वजह से मेरे को पर्सनली ऐसे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऑन कर लेता हूँ इसलिए, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं, अभी के लिए अपन ये ऐसे रहने देते हैं और स्टार्ट करते हैं कि कोने से। तो सबसे पहली चीज़, जैसे ही अपन दरवाजे में घुसते हैं तो दरवाजे से घुसते हैं तो वैसे कि सबसे पहला ये वाला पार्ट आता है, जिसमें मैंने अपना ये गूगल आयो का ये टांगा हुआ है जो मेरे को गूगल आयो मिला था। और यहाँ पे ये सारी कीज़ वगैरह हैं, पेन्स हैं, और कुछ यहाँ पे डूडल्स वगैरह हैं जो अच्छे दिखते हैं। और यहाँ पे हम लोग का ये है, दैट इज़ MCB, और ये MCB सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मोस्टली क्या होता है ना कि जब भी अपन घर जा रहे होते हैं 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जैसे मैं रिमोटली काम करता हूं, मैं रिमोट डेटा इंजीनियर, तो जब भी घर जाता हूं तो बेसिकली मैं क्या करता हूं कि भाई साहब वो बंद कर देता हूं, ताकि बिजली का बिल या कुछ ऐसा, वैसे बिजली का बिल नहीं आ रहा होता है, वो अगले आपको व्लॉग में बता रहा हूँगा, माइनस में मोस्टली मैं 3-4 महीने से इस फ्लैट में रह रहा हूं, माइनस में आ रहा है। पिछले फ्लैट में भी 100 रुपये, उसके बाद 60 रुपये, 70 रुपये ऐसे आ रहा होता था, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अब इस वाले पार्ट से, जो कि ये वाला पार्ट है। अब देखो कई चीजें ऐसे हैं ना जो सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। जब मैं पिछले घर में था उसके बाद इस घर में शिफ्ट हुआ, तो अपन का क्या हुआ ना कि भाई साहब घर चेंज हो गया, तो ये 2 BHK है, बट कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस, जैसे बाहर बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है शुरैक रखने के लिए, तो शुरैक ऐसे ही सजा के रखा हुआ है। एंड यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग, यहाँ पे अपन अपने जूते वूते रख रहे होते हैं, लाइक जो शूज़ वगैरह है और चप्पल वगैरह वो इसमें रख रहे होते हैं। उसके बाद फिर ये चालू होता है, ये अपन को रिगी से मिला था, रिगी के इवेंट में गया था, और ये माही भाई का साइन है, महेंद्र सिंह धोनी का साइन है भाई साहब, वहाँ पे मिले थे हम लोग उनसे, और इस पे नाम वगैरह लिखा हुआ है। ये मेरे को स्तुति ने दिया था, हम लोग घूमने गए थे, तो मतलब ये मेरे को कुछ हो गया लगभग 1-1.5 साल तब मेरे को ये गिफ्ट दिया था। अभी कल परसों हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के इवेंट में गए थे एज अ स्पीकर, तो ये मेरे को मिला था वहाँ से, दैट इज ये उसका है, लाइक एज अ स्पीकर। वहाँ पे डेटा डोमेन के बारे में काफ़ी अच्छी बात की, डेटा इंजीनियरिंग के बारे में, अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात की, तो वो सब उसके बारे में था। उसके बाद ये लैम्प बेसिकली जो बस एकदम एक नंबर ऑरा सेट कर रहा होता है, एंड ये भी मेरे को गिफ्ट मिला था, लाइक जो भी यहाँ पे जहाँ पे भी स्तुति का नाम लिखा हुआ ना उसी ने गिफ्ट दिया हुआ है, ये भी हम लोग कॉलेज में उसने दिया था, ठीक है।
तो ये वैसा मतलब दिखने में अच्छा लग रहा है ना, ये नंबर प्लेट है वैसे, मतलब नेम प्लेट है जो बाहर के साइड वैसे तो लगाना था, बट अभी के लिए हम लोग ऐसे रख के सजा के रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला पार्ट आता है, दैट इज़ हमारा ये, यहाँ पर भी एक ये है जो दिवाली, आई थिंक सो पिछले साल की दिवाली की फोटो है, और ये उसने ही दिया था, लाइक वो ऐसे ही लाइक थोड़े थोड़े गिफ्ट्स वगैरह ये सब आते रहते हैं। उसके बाद फिर ये हमारी टीवी है, ये 50 इंच की टीवी है, वन प्लस की टीवी है जो मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ, और एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई साहब, तो ये जरूरी है, दैट इज़ दिस वन। उसके बाद फिर ये वाला पार्ट आता है, इस पर अभी जाने से पहले हम लोग दूसरे पार्ट पर जा रहे होंगे, दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और हमारा अचीवमेंट, दैट इज़ आवर सिल्वर प्ले बटन यहाँ पे। और ये सिल्वर प्ले बटन भाई साहब कितना प्रोकेस्टिनेट करने के बाद लगा है, मतलब कि मेरे को 2021 में ये बटन आया था, 2021 में, और अभी 2024 चल रहा है, 3 साल हो गए ये बटन मेरे पास आया हुआ था, बट मैंने फ्रेम अभी 2 महीने पहले 2.5 महीने पहले कराया है, बहुत प्रोकेस्टिनेट कर रहा था, सोच रहा था कहाँ लगाऊँ, इस वजह से अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेट किया। और ये फ्रेम बहुत महंगा हुआ है भाई, 2000 रुपये का फ्रेम है ये, मतलब इसने कैसे फ्रेम किया, एक डबल फ्रेम है, एक फ्रेम सिल्वर प्ले बटन पे वाइट कलर का, उसके बाद एक बैकग्राउंड है और वेलवेट का कपड़ा है उसके अंदर, और उसके ऊपर ये सिल्वर प्ले बटन स्टिक्ड है, मतलब वो पूरा एकदम अंदर घुसा हुआ है ऐसा है। उसके बाद फिर ये कुछ पेंटिंग जो हमने HSR से ली थी, और भाई साहब बहुत सस्ती पेंटिंग्स, मतलब दिखने में कितनी एस्थेटिक लग रही है ना, 150 रुपये का एक था या 100 रुपये का एक था, ऐसे ही कुछ था। उसके बाद फिर ये हमारा सोफ़ा है, ये सोफ़ा अभी लिया हुआ 2 महीने पहले, और इस पे हम लोग मस्त, ये वेलवेट का मस्त सोफा है, दैट इज ये सेम मस्त एकदम कपड़ा इसका है, और ये बहुत मतलब मेरे पास पहले तो लाइक 5 सीटर था, आपने पहले अगर ब्लॉग्स वगैरह नहीं देखे तो मैं बता देता हूँ, और मैंने जो पिछले मतलब व्लॉग में 2 व्लॉग्स पहले आई थिंक सो एक वीडियो डाली थी जिसमें हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए फर्नीचर्स के बेसिकली, तो वहां पे हम लोगों ने जो जो लिया था वो सब मैंने कैसे सेटअप किया वो भी दिखाऊंगा। तो बेसिकली ये सोफा है, और ये कुशंस वगैरह सब डीमार्ट से लिए हुए हैं, कुशन का कवर काफी अलग था, तो ये कवर ये भी डीमार्ट से लिया गया है, काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है इस पर, ये भी वहीं से लाइक MG रोड से लिया गया है, इन्फेंट्री रोड से, 2000 रुपये का है भाई साहब, ये पूरा 2000 रुपये का है, वो 8000 रुपये का मेरे को सोफा पड़ा था, और ये भी डीमार्ट का है, ठीक है, ये वाला तो काफ़ी अच्छा लुक वगैरह बहुत अच्छा दे रहा होता है, वाइड एंगल में अगर दिखाऊं तो ऐसा लाइक कोई एंटर अगर यहां दरवाजे से करता है तो दिस इज अ लुक दैट, मतलब ऐसा करके कुछ दिख रहा होता है, तो वो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, लाइक अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है ऐसे करके, तो ये वाला एरिया हो गया। अब आते हैं जो मैंने कहा था भाई अभी दिखाऊंगा, दैट इज दिस वन। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर ये टेबल का वो, और ये क्या है भाई, ये हमारे बहन ने भेजा था, इसके अंदर ये राखी का गिफ्ट टाइप का समझ सकते हैं, उन्होंने भेजा था, और इसके अंदर चॉकलेट्स वगैरह रखे हुए थे, तो वो चॉकलेट तो खत्म हो गया, लेकिन भाई ये हमने बहुत अच्छे से रख दिया सजाने के लिए। उसके बाद ये आता है, इसके अंदर बुक्स वगैरह रखी हैं, बुक्स रखी हुई हैं, और भगवत गीता रखी है हमारी, श्रीमद् भगवत गीता, और भी काफ़ी चीज़ें ऐसे ही रखी हुई हैं, जो भी बुक्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर रखी हुई हैं। उसके बाद मेरे को जो भी YouTube वगैरह से ब्रांड्स वगैरह के सामान वगैरह आते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे छुटपुट सब कुछ इसके अंदर रखा हुआ, जैसे कॉपी किताब हो गई, उसके बाद फिर कुछ कार्ड्स वगैरह हो गए, ऊनो हो गया, सब कुछ इसके अंदर भरा पड़ा है, और वो उधर डिब्बी यही सब रखा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब भाई साहब एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, दैट इज़ दिस बीन बैग, जो कि भाई फील दे रहा होता है, मतलब ये बीन बैग मैंने इन्फेंट्री रोड से ही लिया था अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले, जो कि भाई साहब हमको ये 18XL है, 1800 रुपये का पड़ा या कुछ ऐसे 1600 के आसपास था, और इसमें 4 बीन बैग जो बड़े बड़े बैग्स होते हैं ना बीन्स के, वो भरे पड़े हैं, और ये काफ़ी अच्छा मतलब अभी भी एकदम मस्त है, 2 महीने इस पे लेट रहे हैं, सो रहे हैं आराम ऐसे कर रहे हैं, नॉर्मल एकदम मस्त सेट है पूरा, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ दिखता है, और ये मैक्सिमम चीज़ें मैंने वहीं से ली हुई थी, कोई भी कहता है ना चीप, तो भाई मेरे को सस्ता लगता है और चीज़ें भी सही मिल जाती हैं, तो आई जस्ट गो टू दैट प्लेस ओनली MG रोड, और वहाँ से मैं इन्फेंट्री रोड से ही सामान ले रहा होता हूँ। अब देखो जैसे भाई हॉल का बारी आता है, मैं दिखाता हूं आपको ओवरव्यू, ये हॉल है, हॉल के बाद ये वाला जो एरिया है ये मेरा मतलब वर्क रूम है, जिसके अंदर मैं सारा स्टूडियो टाइप ऑफ समझ सकते हो, होता है ना कि स्टूडियो टाइप ऑफ मतलब स्टूडियो का सामान, जैसे कि YouTube का सारा शूटिंग, ऑफिस का काम, सब कुछ मैं इस रूम में कर रहा होता हूं, और उस रूम में हमारा बेड लगा हुआ है जिसमें हम लोग सो रहे होते हैं आराम से, और वो है हमारी किचन, वो वाली उधर जाके, उधर ही से बालकनी पड़ती है, वो भी दिखाऊंगा, और ये वॉशरूम है, तो अभी हम लोग इस वाले रूम में एंटर होंगे और वो सब दिखा दे। तो जैसे ही मैं एंटर होता हूं, सबसे पहली चीज जैसे ही एंटर होऊंगा, पहले दरवाजा अपन चिपका देते हैं लाइक दिस, थोड़ा सा कपड़े टंगे हुए हैं इस वजह से वो बंद नहीं हो रहा है,
बट अपन इसको ऑन कर लेते हैं। अब भाई साहब यहाँ पे ये वाला रूम ऐसा दिखता है, जैसे जैसे एंटर हो गए तो यहाँ पे मेरे लैपटॉप रखा हुआ है, ऑफिस का लैपटॉप और वर्क का लैपटॉप, मैं ऐसे ही मतलब वो सब लैपटॉप्स वगैरह ऐसे रखता हूँ। वैसे तो इस रूम के लिए प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनती है भाई साहब, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, बट मैं ओवरव्यू अभी दूंगा। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए अलग से भी, या बना दो एक वीडियो, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताना, आई विल डेफिनेटली मेक इट आउट। मतलब इसमें मेरे सारे ऐसे सामान है, काम वाले सामान है, तो बहुत डिटेल में अगर आपको चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ मैं कैसे यूज़ करता हूँ, ये चीज़ क्या है, कितने की पड़ी थी, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा उसमें। तो बेसिकली अभी इसके लिए बात करते हैं, रूम का ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज इस कोने से, दैट इज द कोना जिसपे मैं सबसे ज़्यादा मतलब आई लिटरली स्पेंड अबाउट लाइक 15 आवर्स के आसपास मैं यहाँ पे स्पेंड कर रहा होता हूँ, जिसमें अपन ऑफिस का काम करते हैं 8 घंटे के आसपास 8-9 घंटे। उसके बाद फिर हम लोग अपना यूट्यूब का काम भी यहीं पे कर रहे होते हैं, और सारे वीडियो शूट्स वगैरह सब कुछ यहीं पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है वो, और यहीं पे सारा कुछ सेटअप वेटअप है, दैट इज ये मेरा ऑफिस का लैपटॉप है। और मैं अभी लॉग्ड इन था, मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा, मैंने सोचा ये शूट कर लूँ जल्दी से। तो ये ऑफिस का लैपटॉप है, और यहीं पे मैं चार्जिंग और थोड़े थोड़े तार वार दिख रहे होंगे तो मैं यूज़ करता रहता हूँ, यहीं पे रख देता हूँ। और भगवान जी की मूर्ति भी यहीं पे रखी हुई है। वैसे मेरा डेस्क क्लीन रहता है, बट अभी मेरे को शूट करना तो माइक वगैरह निकाला है इस वजह से। और यह अपना 32 इंच का ये है, लाइक ये व्हाट वी से डिस्प्ले, तो इसके अंदर मतलब बहुत सही, मतलब इजीली काम होता है, और एक कर्व डिस्प्ले, तो आगे इसका डिटेल्स बताऊंगा। तो ये डेस्क है मेरा, उसके बाद फिर अपनी चेयर यहाँ पे मस्त है, जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, मतलब अपने लंबे लंबे काम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिल रहा होता है। रिंग लाइट है यहाँ पे, ट्राइपॉड्स वगैरह हैं, हेलमेट्स वगैरह हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे अपने भगवान जी हैं, दैट इज़ सब कोई बोलो जय हनुमान जी की, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, सबकी यहाँ पे मूर्ति है, जो जो मतलब कुछ कुछ मतलब हमारे दोस्तों ने और लोगों ने भी दी हुई है गिफ्ट के, अगर मिले तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से रखी हुई है। और दिवाली भी, लाइक दिवाली की मूर्ति पे तो वो भी रखी हुई है। एंड इसमें यहाँ पे पूरा भगवान जी का सामान है, और इसके अंदर भी लाइक ड्रॉल्स में मंत्र वगैरह और चालीसा वगैरह सब कुछ इसी के अंदर रखा हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये ऐसा सेट दिखता है, और भाई ये हमारी घंटी, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ कुछ सामान यहाँ पे हैं, दैट इज़ ये नीचे बैठ के जब पूजा वूजा करते हैं तो ये यूज़ करते हैं, ये रक्षाबंधन मेरे को आया था, ये रक्षाबंधन में मिला था, ये ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें हैं, मिक्स कोन, वो धूप बत्ती वगैरह है। उसके बाद फिर ये ड्रॉल है जिसके अंदर काफ़ी सामान है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं बोल रहा हूँ अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है, इसके अंदर कुछ तार वगैरह हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम लोग यहाँ पे अभी ऐसे ही बता देते हैं। उसके अंदर लैपटॉप्स वगैरह, कुछ कुछ लैपटॉप्स वगैरह रखे हुए हैं, तो ये सब सामान ऐसे हैं, ये बाद में कभी दिखाएंगे। उसके बाद फिर अपना क्या कहते हैं मेन चीज़, दैट इज़ अलमीरा, दो अलमीरा हैं, इसमें कुछ कपड़े लगते हैं और इसके अंदर कुछ कागज़ पत्तर हैं। तो ऐसा ही सीन अपन ने सेट करके रखा है इस रूम का, और अभी चलते हैं दूसरे रूम में। तो अभी नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, इस रूम को छोड़ते हैं और चलते हैं अपने किचन में। और यहाँ पे वॉशरूम है, लाइक एक कॉमन वॉशरूम है, और यहाँ पे बेसिन दिया हुआ है लाइक अलग से, जहाँ पे अपना हाथ वाथ और ये लाइक खाने वाने के बाद अपना हाथ पाथ धुल सकते हैं आराम से। तो फिर आता है ये वाला पार्ट, दैट इज़ ये वॉशरूम है बेसिकली, जिसमें हीटर वगैरह पहले से दिया हुआ था, और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने ऐड करके रखी हुई हैं, ये शेल्फ वगैरह पहले से थे, यहाँ पे वॉशरूम, और आराम से यहाँ पे नहाने वाने का सिस्टम है, शावर वगैरह सब कुछ है। मतलब एक वॉशरूम ये है और एक रूम से अटैच्ड है। तो बेसिकली ये वाले वॉशरूम को बंद करते हैं, और इसके बगल में जस्ट किचन है, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। वैसे तो अलग से होना चाहिए, किचन दूर होना चाहिए, वॉशरूम दूर होना चाहिए वैसे किचन से, बट यहाँ पे नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर अपना ये किचन पड़ता है, और किचन बहुत ज़्यादा लाइक थोड़ा सा, मैं पिछले वाले फ्लैट में जो रह रहा था थोड़ा सा डिफरेंट था, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से मैं थोड़ा सा सेटअप हो रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होते हैं इसमें। और यहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीज़ें टांग के रखी हैं, हमारा काटने पीटने का सामान जो मस्त यूज़ होता है, उसके बाद हाथ वाथ पोछने का, और ये मस्त चीज़ है, दैट इज़ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ आवर फ्रिज। फ्रिज में मतलब फ्रिज पे हम लोगों ने पूरे फ्रिज मैग्नेट्स लगा के रखे हैं, जो कि सोवनीर टाइप के होते हैं, कि हाँ कहीं पे गए घूमने, या कहीं पे कुछ ऐसे चले गए, या कोई दोस्त भी जाता है ना कई बार ना, एक दो तो इसमें ऐसे है ना जो दोस्त लोग ला के दिए गिफ्ट के तौर पे, तो ऐसा है। जैसे मैं गूगल इवेंट में गया था तो ये मिला था मेरे को, उसके बाद केरला गए थे हम लोग, पांडिचेरी गए थे, तो सारी चीज़ें ऐसे करके सेट हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे लाइक ये फ्रिज है, इसके अंदर हम ये भी हम लोगों ने लिया था लाइक 2-3 साल पहले, और यहाँ पे कुछ कुछ सामान है खाने पीने के, वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। उसके बाद फिर मैं अपने फूड वगैरह नाप के खाता हूँ, तो वो सारी चीज़ें लाइक वो मैं इससे मेज़र कर रहा होता हूँ, और मैं लगभग 1-1.5 महीने के आसपास हो गए मैं फुल स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ, और मैंने अप्रॉक्सीमेटली 4 kg लूज़ किए हैं पहले से,
मतलब मैं 83 था और 79 के आसपास हो चुका हूँ, तो 4 के जी के आसपास हो चुका है। और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं, दैट इज़ ये रोटी वोटी बनाने का, और वहाँ पे कुछ गिफ्ट मिला था हमें वो भी। उसके बाद फिर यहाँ पे नॉट स्पॉन्सर, नो स्पॉन्सर, इसको काटो 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 कट कट, ये प्रोटीन वगैरह था हमारा। उसके बाद फिर जो भी डेली यूज़ वाला सामान है वो सब मैं इधर रखता हूँ खाने पीने का, जैसे ओट्स हो गया, कॉफ़ी हो गया, चावल हो गया, बेसन हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ रखते हैं। उसके बाद फिर ये वाला पार्ट है जिसमें हम लोग यहाँ पे लाइक क्रॉकरी वगैरह और कटोरी वगैरह और ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखी जा रही होती हैं। और ये सब सामान मैंने वहीं से, लाइक मैंने मेंशन किया ना, जितने भी मेजर क्या कहते हैं लाइक फर्नीचर्स वगैरह हैं या कुछ ऐसे स्टोरेजेस वगैरह हैं, वो सब मैंने इन्फेंट्री रोड से लिया हुआ है, लाइक 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, या अभी रिसेंटली एक दो सामान कुछ पहले अभी रिसेंटली लिया था, तो ऐसे करके है। उसके बाद फिर अभी मैं राजमा चावल बना रहा था भाई, तो अभी मसाला भून रहा है और अभी बंद किया जस्ट। उसके बाद फिर वहाँ पर राजमा भी इसमें ऐड करना है, वो अभी मैं कर रहा हूँगा। और ये इस घर में एक चीज़ की प्रॉब्लम क्या है ना कि भाई ये वाला शेल्फ ना ये खुला है, पिछले में क्या था थोड़ा बंद बंद था, थोड़ा अच्छा लगता था, बट ये भी सेटल है, ये भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। मतलब एक प्रॉपर अच्छे से स्टोरेजेस हैं जो हम लोगों ने डीमार्ट वगैरह से लेके सही से सेट कर लिया है, ये फ्लिपकार्ट से लिया हुआ है, सब कुछ एक जैसा डिब्बे दिख रहा है ना, वो सब फ्लिपकार्ट से लिए गए हैं, तो ये काफी अच्छे से सेटल अप हो गया है। उसके बाद फिर ये हमारा फिल्टर है जिसके अंदर हम लोग पानी वानी सेट वेट करवा चुके हैं, बहुत यहां पे थोड़ा सा ना लाइक यहां पे एग्जॉस्ट नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, मेरे को ये दरवाजा खोलना पड़ता है जब भी हम लोग यहां पे कुछ बना रहे होते हैं, और यहां पे बेसिंग वगैरह ये सारी चीजें ऐसे करके हो रही होती हैं। एंड ये भी हमारा ये सारे जितने भी कड़छी फरछी चक्कू कैंची सब कुछ यहाँ पे रख देते हैं, और ये सब कुछ मैंने धीरे धीरे एक एक करके धीरे धीरे बहुत लेते लेते टाइम हो चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने पूरा सेटल अप करके रखा है, मिक्सर ग्राइंडर ये गैस वगैरह ये सब यहाँ पे, ये अलग से इसका कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं दैट इज दिस एरिया में, और ये बहुत ही अच्छा है, लाइक इससे ना हवा बहुत अच्छी आती है, रात में मैं खोल देता हूँ एक नंबर हवा आती है, और लाइट बंद कर दो इधर की तो मच्छर भी नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ दैट इज लाइक दिस, तो यहाँ पे अभी जस्ट बारिश हुई है तो देख रहा हूँ ना ये गंदी सी दीवार भाई अलग बिल्डिंग की है, और यहाँ पे देखो ये बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, सारे बिल्डिंग्स यहाँ पे बन रही हैं, जब मैं आया था तो ये वाली बिल्डिंग नहीं थी और ये वाली बिल्डिंग बन रही थी, तो ये अभी बन चुकी है ये वाली वाइट वाली, उसके बाद फिर ये वाली बिल्डिंग पहले से थी और ये वाली बिल्डिंग अभी बन रही है, तो ऐसा सीन है। और मेरे बगल में भी मतलब इधर पूरा प्रॉपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिधर मैं रह रहा हूँ अभी, ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास पड़ता है, तो यहाँ पे काफ़ी मतलब अभी डेवलपमेंट वगैरह हो रहे हैं, तो लोग बढ़ रहे हैं, तो ऐसे करके चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ऐसे कुछ हो रहा है। उसके बाद फिर इधर हम लोगों ने अपना बाल्टी रखा जिसके अंदर हम लोग बैडमिंटन, उसके बाद फिर ये और कपड़ा साफ करने की चीज़ें, मतलब इससे सफाई वफाई होती है क्योंकि ख़राब हो चुकी है ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें, और डस्टबिन दो हैं क्योंकि सूखा गीला अलग अलग करना पड़ता है। उसके बाद फिर यहाँ पे जिम का सामान रखा हुआ है जो मैं जिम में लेके जाता हूँ, जूते हैं अपने और अपना जिम बैग है, और यहाँ पे कुछ कपड़े वपड़े टांगने के सारी चीज़ें यहाँ पे जुगाड़ की क्योंकि भाई बारिश यहाँ पे अभी जस्ट बारिश हुई है और ऐसे करके सीन है, और इधर से हवा बहुत मस्त आ रही होती है, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब अपन चलेंगे अपने अगले रूम में और वो सारी चीजें आपको दिखाते हैं, तो उधर चलते हैं, कर देता हूं बंद क्योंकि भाई आवाज कभी कभी बहुत ज्यादा आती है। तो अभी हम लोग चलते हैं इस वाले रूम में और देखते हैं ये रूम क्या है। ये दूसरा रूम है जिसमें बेडरूम वगैरह, मतलब बेडरूम क्या अपना बेड वगैरह लगा के रखा हुआ है, एंड यहाँ पे ऐसे लाइट जलती है मस्त, एक लाइट है मतलब ये वाली सीलिंग वाली लाइट्स यहाँ पे लगी हुई है, एक उधर है और एक इधर है ऐसा करके, तो सीलिंग लाइट्स हैं तो लाइक बहुत ज़्यादा तो रोशनी नहीं होती है, बट ऐसा ही सिस्टम है यहाँ पे भाई। और ये अपना बेड ये मैंने वेकफिट से लिया था, और ये मतलब एक नंबर इसमें स्टोरेज भी है, तो इसमें सामान वामान बहुत अच्छे से आता है, कंफर्टर अपना रखा हुआ है और ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे अपना मैंने बताया था कि मैंने, और एक चीज मैं तो बोलना ही भूल गया, दैट इज प्लग्स भाई। प्लग्स इस घर में इतने ज्यादा, इतनी सही सही जगह है, देखो एक प्लग यहां पे है टीवी के लिए, दो प्लग यहां पे हैं, दैट इज एक दो, इस सोफे के पीछे दो प्लग छुप चुके हैं, इसके पीछे दो प्लग छुप चुके हैं, वहां पे देख रहे हैं वहां दो प्लग्स हैं, उसके बाद फिर इधर प्लग है, लाइक इधर प्लग्स हैं, वाईफाई का अलग से प्लग है, दैट इज दैट वन, ये वाला मस्त एकदम सही सही जुगाड़ है। उसके बाद ये वाला प्लग है भाई यहाँ पे, और उसके बाद फिर मैंने जैसे बताया ना कि वहां भी प्लग है, तो ये बहुत अच्छे से सेटल अप करके बहुत अच्छे से बनाया है, मतलब बहुत अच्छे से प्लान आउट किया इन सारी चीजों को। तो ये प्लग्स वगैरह का मस्त है, मतलब यहाँ पे बेड है भाई, यहाँ पे तकिया लगाओ, मस्त यहाँ पे चार्जिंग करो अगर टेंशन है, उसके बाद आराम चलाओ मोबाइल, और यहाँ पे मस्त अपना स्टोरेज और ये सारी चीजें। अब बारी आते हैं भाई ये वाले कोने की, अब इसमें ये मेरे को मतलब ये प्रेसेस मैं करता हूँ तो यहीं पे रख दिया भाई बाहर, वैसे तो अंदर रखना चाहिए, ये मेरे को कंपनी से आया था तो ये कंपनी से कुछ गिफ्ट वगैरह आया था तो वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद ये मेरे एक दोस्त का है तो वो लाइक अभी घर गए हुए तो यहीं पर रखा हुआ, पीजी वीजी में रहती है तो वहाँ स्टोरेज का पंगा है तो इस वजह से यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं बता रहा था ना अभी बिल्डिंग बन रही है, तो ये यहाँ से ना रात में क्या करता हूँ, ये अभी भी मैं क्या करता हूँ मोस्टली मैं ये वाला खोल देता हूँ, और इधर से एक नंबर हवा रही थी, अभी देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस बिल्डिंग का, तो
यहाँ पे अभी काम हम चला, लोग लगे हुए हैं, दिख रहा है ना ये पूरा बिल्डिंग। मतलब भाई एक महीने में, मतलब पिछले महीने में जब मैं आता भाई बिल्डिंग थी ही नहीं, और अभी लगभग 2-3 महीने में मैं 3 बार रेंट दिया हूँ, मतलब मैं प्री रेंट देता हूँ, तो समझ जाओ भाई कितनी स्पीड से काम चल रहा है। मतलब भड़बड़ भड़बड़ काम चल रहा है। और अभी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी चीज़ें बनने वाली हैं, यहाँ पे भी कुछ गड्ढा वड्ढा ऐसे कर रहे हैं लोग, और यहाँ पे भी चीज़ें बनने वाली हैं, तो ऐसा कुछ है। उसके बाद फिर इस रूम में ज़्यादा कुछ तो है नहीं दिखाने के लिए वैसे तो, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया ना, ये देखो प्लग्स, यहाँ पे भी प्लग्स भाई, प्लग ही प्लग है। उसके बाद फिर गीज़र और इन सब का कनेक्शन इधर से है, और इधर से एक वॉशरूम पड़ता है, दैट इज़ दिस वन। और इसकी लाइट अंदर से भी है बाहर से भी है, तो यहाँ से ऐसा सिस्टम पड़ता है और यहाँ से ऐसा, मतलब कवर, ये तौलिया वोलिया और ये सारी चीज़ें, और इधर ब्रश वश का सिस्टम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वैष्णव वगैरह भी आते हैं, तो यहाँ पे उन लोग का ब्रश वगैरह रखा हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा ब्रश हम लोगों ने कहा है भाई रख लो, क्योंकि भाई बार बार ब्रश क्यों ही खरीदोगे, तो इससे बढ़िया यही रख दो। कभी कभार वो लोग आते हैं, और भी दोस्त आते हैं, स्तुति भी आती है, उसके बाद श्रुति भी आती है, सब लोग आके रुकते हैं आराम से, और 4-5 मतलब आराम से रात वात हो जाती है, कभी सुबह जाते हैं, तो ऐसे करके ब्रश वश करने में ईजी रहता है, इसलिए वो लोग यहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, और ऐसे करके हम लोग का, और यहाँ पे इस वॉशरूम में भी एक गीज़र है, तो एज सच कोई दिक्कत नहीं होती है। मोस्टली ये है कि बिजली का बिल तो आ नहीं रहता ज़्यादा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और कुछ टेंशन वाली बात तो होती भी नहीं है। तो यही सारी चीज़ें थी, यही सारा वो है व्लॉग है। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कॉमेंट करना, और अगले वीडियो में हम लोग डेफिनेटली, अगर आप बोलोगे तो, एक मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर बेसिकली लाइक किसके बारे में बात करेंगे, दैट इज अपने उस वाले रूम के बारे में बात करेंगे, दैट इज ये वाला रूम जिसके अंदर हम लोगों ने पूरा अपना सेटअप करके रखा है, वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और यही सारा व्लॉग था, यही सारी चीजें थे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। होम टूर बहुत लोग बोल रहे थे कि डालो 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 भाई, और मम्मी पापा को दिखाना था, तो मम्मी पापा देख लेंगे, और भी सब लोग देख लेंगे, और आप लोग तो देखोगे ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखो, माँ बाप का ध्यान रखो, क्योंकि भाई वो खुश है तो और क्या ही चाहिए जिंदगी में। और नहीं खुश है भाई तो मेहनत करो, और कब करोगे, बुढ़ापे में करोगे, अभी तो जवानी है, करो करो करो। चलो मिलते हैं, बाय बाय बाय।